हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं डॉक्टर इंद्रेश यादव और ई लर्निंग बी दुर्गेश के इस ऑनलाइन चैनल में जौनपुर से आप लोगों के बीच में सीटेट स्पेशल में विशेष रूप से आने वाले प्रायः गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न होते हैं और उसमें जो सबसे बड़ी हमारी आपके सामने समस्या आती है वो समस्या ये है कि उस प्रश्न को पढ़ करके उनके उत्तर को देना जो है ये हमारे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक को चुनाव किया और कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव किया जो प्रायः गद्यांश के पद्यांश के शिक्षण विधि के प्रश्नों में अक्सर आते हैं, उन्हीं शब्दों को हमने चयन किया। तो उसके लिए मुझे एक टॉपिक मिला और वो टॉपिक का नाम है अव्यय अस्थि। अव्यय क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं कि अव्ययम किम अस्ति, के साम कथयति अव्यय, कि कौन कौन होते हैं अव्यय, कृते किम संस्कृत भाषायाम व्याकरणे किम विधानम वर्तते अस्य उपरि पश्यामः। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र किम अस्ति अव्यय अस्ति। अव्यय शब्दस्य पूर्वे किम अस्ति व्यय शब्द अस्ति। व्यय शब्दस्य अर्थम किम अस्ति अव्यय, यानी जिस शब्द को हम लोग खर्च कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं व्यय कहते हैं। और अव्यय, अव्यय किम अस्ति जिसको हम खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। इसके लिए हमारे संस्कृत में व्याकरण क्षेत्र परिभाषा आगच्छति, किम अस्ति परिभाषा, अत्र पश्यतु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यतीतव्यम्। यानी सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यानी जो तीनों लिंगों यानी पुलिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में समान हो उसे क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। और किसको कहते हैं ग्रह किम अस्ति सर्वासु च विभक्तिषु, जो सभी विभक्तियों में, यानी सातों, हमारे यहाँ सात विभक्तियों का विधान किया गया है व्याकरण क्षेत्र में, और वो सात विभक्तियां हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन सातों विभक्तियों में भी जो परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। अग्रे किम अस्ति आगे क्या है वचनेषु च सर्वेषु, जो सभी वचनों, यानी वचन कितने हमारे यहाँ संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण क्षेत्र त्रीणी वचनानि सन्ति, तीन वचन हैं। और तीन वचन कौन है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन की व्यवस्था की गई है। तो तीनों वचनों में भी जो परिवर्तित नहीं होता है, एक समान रूप से रहता है, उसे क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। तरी अव्यय अस्ति ये साम संस्कृत क्षेत्रे यत्र विभक्ति अस्ति वचनम अस्ति और लिंग अस्ति, ये लिंगा सन्ति, ते साम परिवर्तनम न जायते, ये यस्मिन रूपे अस्ति तस्मिन यो रूपे तिष्ठन्ति स यो किम अस्ति अव्यय है। यानी जो जिस रूप में है अव्यय का विभक्तियों में प्राय, मतलब आपको क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब है इन ये जो अव्यय होते हैं इनमें जो गिने चुने शब्द होते हैं इन शब्दों के अलावा जो शब्द होते हैं वो सब परिवर्तित हो जाते हैं, वो विभक्तियों लगने पे बदल जाते हैं, वो वचन आने पे बदल जाते हैं और वो लिंग आने पे बदल जाते हैं। और ये सत्य भी है, व्याकरण क्षेत्र के ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे आप राम शब्द को ले लो, ये प्रथमा व्यक्ति में कहेंगे तो राम है, द्वितीय में कहेंगे तो रामम, तृतीया में रामेण, इस तरह से बदलता जाता है। एक जाते एक लड़का जाता है तो एक है बालिका गच्छति, एक लड़की जाती है तो एका बालिका गच्छति, और एक पुस्तक लाओ तो एकम पुस्तकम आनयतु। तो इस तरह से यानी लिंग बदलने पे भी जो है चीजें बदल जा रही हैं। इसी तरह से वचन में भी एक राम है रामो रामा, यानी उसके तीन दो तीन रूपों में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो अव्यय, लेकिन अव्यय क्या है, जब अव्यय शब्द आते हैं तो उनमें न तो विभक्ति का परिवर्तन होता है, न वचन का कोई मतलब है और न तो लिंग का, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अत्र पश्यतु ये के शब्द सन्ति ते अव्यया सन्ति और ते यत्र कुत्रापि परिवर्तनम न जायते। तरी किम अत्र अस्ति च शब्द अस्ति, प्रथम च शब्द से अर्थम किम अस्ति और अस्ति, च शब्द
प्रायः लोग देखते हैं जैसे राम राम श्याम गच्छत, राम और श्याम जाते हैं, यानी और शब्द, जैसे दो व्यक्ति जा रहे हो तो वहाँ पे और शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से वह शब्द अस्ति विकल्प के लिए होता है कि वह विकल्प है निश्चय, नूनम शब्द से की अर्थम अस्ति निश्चय अर्थ है। इसी तरह से युगपत एक साथ कि युगपत वयम पठामे, हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं, अहम युगपत पाठयामि, मैं मिलकर के आपसे आप सबको पढ़ाता हूँ। तरीकी मस्ति अग्रे यत्र जहाँ तत्र वहाँ, इन सीटेट के प्रश्नों में आप देखो तो ये सारे के सारे शब्द अक्सर दो चार लाइन के बाद आ जा रहे हैं। कौन कोई ना कोई अव्यय जरूर हमारे आपके सामने जिनसे हमारा परिचय होता रहता है, तो उन्हीं कुछ प्रमुख गिने चुने अव्ययों को इधर हम लोग देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि अत्र की मस्ति यहाँ, क्व कहा, इत्थम इस प्रकार, सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, इसी तरह से उभयत्र दोनों ओर, पूर्वत्र पहले, एकत्र एक साथ, इदानीम इस समय, यदा इदानीम भवान किम करोति, इदानीम में अहम पाठयामि, इस समय में पढ़ा रहा हूँ, तदानीम उस समय, तदानीम भवान किम करिष्यति, उस समय आप क्या करेंगे, यदा परीक्षायां मध्ये प्रश्नम संस्कृत भाषायां आगमिष्यति, यदि भवद्भिः अव्यय शब्दस्य अभ्यासं न करिष्यति तर्हि तदानीम किम करिष्यति, तदानीम मतलब उस समय, यानी उस समय आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास भवद्भिः पार्श्वे ये अव्यय वर्णाः सन्ति शब्दाः सन्ति तेषां स्मरणम् अस्ति तर्हि तस्य अर्थं समीचीन रूपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तर्हि अग्रे किम् अस्ति, तर्हि इस समय, एकदा एक बार, एकदा शब्द या गद्य वर्तते, गद्य से क्षेत्रे बहुव मुँह मुँह आगच्छति, एकदा यदा एकदा अस्माकं ग्रामे एक राजा आगच्छति, एक जैसे एक बार मेरे गांव में एक राजा आता है, इस तरह की कहानियों के प्रारंभ में हमको एकदा शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी तरह से अग्रे किम अस्ति, अथ किम, अथ किम शब्द से अर्थम अस्ति हाँ तो क्या, अथ किम, यदि हम पठिष्यामि न पठिष्यामि स्मरणम करिष्यति वा न करिष्यति, अथ किम हाँ तो तरी किम भविष्यति तो क्या होगा। अग्रे किम अस्ति कुतः कहाँ, ऐसा भवान कुतः आगच्छति, भवान कुतः कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं, भवान कुत्र गच्छति, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम गृह गच्छामि, मैं घर जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग हमको दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे शब्द हैं अन्यथा अन्य प्रकार से, कथम किस प्रकार से, यतः जहाँ से, यतः की मेरे शब्द से अर्थम की मस्ती जहाँ से, अग्रे की मस्ती ततः वहाँ से, और अतः इस कारण, अतः संस्कृत सीटेट मध्य संस्कृत भाषायाम प्रश्नम आगच्छति, अतः हम संस्कृत भाषायाम यो पठामि, संस्कृत सीटेट में संस्कृत भाषा में प्रश्न आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है अतः यानी इस कारण से ज्यादा संस्कृत में मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ और आपको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो सके जो है। अग्रे किम अस्ति सर्वत्र, सर्वत्र चारों ओर से, पूर्वत्र पहले पूर्व से, एकतः एक ओर से, त्वत्तः तुम से, यदा हम त्वत्तः कथयामि तुमसे कह रहा हूँ, या भवतः कथयामि आपसे कह रहा हूँ कि प्रतिदिनम संस्कृत ये शब्दकोशम सन्ति तेषां पठतु अभ्यासम करोतु, ये प्रश्नाः आगच्छन्ति तं प्रश्नम स्व यत्र कुत्रापि भवद्भिः पठन्ति तरी अध्यापक पार्श्वे गच्छतु और कथयतु कि अस्य अर्थं किम् अस्ति भवान् वदतु, यानी आप जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, विद्यालय में पढ़ रहे हो या किसी गाइड टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप सीटेट के जो संस्कृत के प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में बात करिए कि सर ये प्रश्न आए हैं, इसके अर्थों को पढ़ने में मुझे कठिनाई हो रही है, इनमें कौन कौन से अव्यय हैं या किन किन शब्दों को मैं शब्दकोश को याद कर लूं, तैयार कर लूं, जिससे प्रश्न के अर्थ को तो समझने में मुझे आसानी हो जाए। फिर अगर संस्कृत में है समस्या सबसे बड़ी है प्रश्नों को समझना, अगर आपने प्रश्न का अर्थ समझ गए तो उत्तर तो प्रायः आप
50% वैसे उसी में रहता है प्रश्न में ही। अग्रे की मस्ति मत्तः मुझसे यथा मत्तः भावद्भिः किम् इच्छसि, मुझसे आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग यथा अहम चिंतयामि, अहम बहुवः शब्दाः सन्ति संस्कृत भाषायाम, यत् किमपि शब्दकोशे ये शब्दाः सन्ति ये परीक्षायां मध्ये बहुवः आगच्छन्ति, तेषाम् अहम भवद्भिः समक्षे आनयामि, मैं आप लोगों के सामने उन सभी शब्दों को लेके आऊंगा। अग्रे किमस्ति चेत, तो नो चेत नहीं तो, समीचीनम् अस्ति तर्हि अहं किं कथयामि कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बहुत से शब्दकोश को आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और उन प्रश्नों को देखिए जो प्रश्न संस्कृत में आए हुए हैं, तो अभ्यास से ही आपको आसानी से ये चीजें आ सकती है। बार बार आप पढ़िए और अगर अर्थ नहीं आता है तो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उनसे आप पूछिए, वो अर्थ आएंगे। और अच्छा लगा कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और लगातार आप कमेंट्स में जो है वीडियो को बनाने की अगले लेक्चर की बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इससे उत्साह होता है कि आपको मैं संस्कृत में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और करता ही रहूंगा। आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप मुझे मेरे इस ऑनलाइन चैनल के चेयरमैन का उत्साहवर्धन बढ़ाते रहिए और इनका बढ़ता रहेगा तो मैं आप लोगों के सामने चैनल में इन तमाम नए नए वीडियो को, अच्छे लेक्चर्स को आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।